वो तो सर है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है, बच्चों के तो दिमाग से निकल ही जाता है, वो तो आपस में मिलेंगे ही। पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन, क्यों अपनी लाइफ को रिस्क में डालना है? जो हमारी पढ़ाई का है वो हमारी ऑनलाइन तो चल ही रही है, जो प्रैक्टिकल है वो तो प्रैक्टिकल है, जो ऑनलाइन है उसमें भी इतना नहीं है। सरकार नु हजे स्कूल ओपन नहीं सी करने चाहिए। टीचर वाला काम हम नहीं करवा पाएंगे, बच्चों का 6 घंटे का समय घर पर वेस्ट हो रहा है। हमें मैनेजमेंट पर टीचरों पर कोई डाउट नहीं है, बट बच्चे तो बच्चे ही है ना, इस करके मैं हजे रेडी नहीं है प्रैक्टिकल, क्योंकि बच्चे जो है। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है, जन जन की बात जनहितैषी के साथ। अज असी पहुंचे लुधियाना के हैबोवाल नगर च, जोशी नगर च खड़े हैं, तो इतने अज का मुद्दा हैगा जेडे कि असी पहुंचे पेरेंट्स के कोल, पेरेंट्स के नाल गलबात करन पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट ने स्कूलों एजुकेशन चीज सेंटर खोलन की इजाजत दे दी है, स्कूलों 9वीं तो लैके 12वीं के बच्चों लिए उन्होंने स्कूल खोलन लिए जाने की इजाजत दे दी है। तो पर स्कूलों ने भी जिमें गवर्नमेंट ने इजाजत देती है, स्कूलों ने स्कूल खोलन का फायदा निर्णय ले लिया है, पर जिहड़े आम लोग की सोचते हैं, बच्चे की सोचते हैं, ये सारे बारे असी अज इत्थे रूबरू होना है लोगों नाल। तो आओ गलबात करते हैं एक स्टूडेंट नाल सब तो पहला कि स्टूडेंट की सोचता है, वो किदां जाना चाहता है। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिराग है सर। चिराग जी, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हूँ। 7th में? हाँ जी। कौन से स्कूल में? GRD Academy। GRD Academy। पर अगर हम बात करें, जैसे आप तो, आपके लिए तो अभी राहत की खबर है कि आप अभी स्कूल आपके लिए नहीं खुला, पर 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे 9th या 12th के बच्चे वो कंफर्टेबल है स्कूल जाने के लिए? क्या है वो तो सर है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है, ये कोरोना ने पूरी दुनिया को उलट पलट कर दिया है। तो जैसे मान लो कि वो स्कूल जा रहे हैं, तो इतने महीने बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बच्चों के तो दिमाग से निकल ही जाता है, वो तो आपस में मिलेंगे ही। वो क्लासरूम भी तो इतने बड़े नहीं होते कि पूरा एकदम 10 स्टूडेंट्स को बिठाएंगे, फिर वो अगले दिन 10 स्टूडेंट्स को लाएंगे, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, तो नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बुलाना चाहिए, पर उसके लिए उन्होंने एक प्रिकॉशंस रखे हैं कि अगर 60 बच्चे क्लास में हैं या 25-50 बच्चे हैं, तो आधे एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन आएंगे, ऐसे में अगर तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हो जाएगी, फिर स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसे तो पढ़ाई का भी नुकसान होगा। सर वो हम पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन, क्यों अपनी लाइफ को रिस्क में डालना है? सर नहीं डालना चाहिए। पर ये देखो 7th के लिए नहीं है, 9th 10th और 12th जो है बोर्ड है, तो आपको कैसे दिक्कत आएगी, मतलब बच्चों को, उनको उनका साल खराब होगा, कैसे वो करेंगे? सर पेरेंट्स चाहे, आपकी बात ये सही है कि वो प्रिकॉशंस दे रहे हैं, पर पेरेंट्स लाओ ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इंडिया का आगे फ्यूचर हैं, हम उनको रिस्क में नहीं डाल सकते हम बच्चों की लाइफ को। थैंक यू। तो आओ बात करते हैं एक दूसरे स्टूडेंट से, आपका क्या नाम है? माय नेम इज नूर। नूर जी, आप कौन से स्कूल में हो? GRD Academy। तो आपको एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th। 7th में? चलो आपको तो नहीं, आपके लिए तो अभी स्कूल नहीं खुला, लेकिन 9th और 9th से लेकर 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए खुला है, तो ऐसे में कल को उनका खुला है तो आपके स्कूल भी खुलेंगे, तो आपको क्या लगता है आप लोग स्कूल जाना पसंद करोगे? अभी अगर हम स्कूल जाएंगे तो प्रिकॉशंस का तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह, बट जो हमारी पढ़ाई का है वो हमारी ऑनलाइन तो चल ही रही है, अभी स्कूल वैसे ओपन नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन ही हमें रहना चाहिए क्लासेस, जो बच्चे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन वो तो ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकल पढ़ाई में और स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ा सा आपका नुकसान हो रहा है? वो तो होगा, बट जो ऑनलाइन है उसमें फिर गवर्नमेंट में हमें फैसिलिटीज भी तो दी है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड करनी चाहिए क्लास। जो अभी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो वो प्रैक्टिकल से कितना टफ है? जो प्रैक्टिकल है वो तो प्रैक्टिकल है, जो ऑनलाइन है उसमें भी इतना नहीं है, जो प्रैक्टिकल है वो तो ज़्यादा बेटर है। चाह रही है ना कि अब फाइनली स्कूल खोल दिए जाएं, लाइफ जो है चलनी चाहिए, पर ऐसे में आप लोग बच्चे बोल रहे हो कि अभी हम स्कूल नहीं जाना चाहते, या कहीं इसको बहाना तो ना समझा जाए कि आप चाहते हो कि अब घर में ही रह के छुट्टियाँ मनाई जाए? नो, ये बस थोड़ी सेफ्टी के लिए है कि हमें पूरी प्रिकॉशन दी जाए। थैंक यू। आओ तो गल करते हैं कि पेरेंट्स नाल कि वो की सोचते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम
तुहानू पता होगा कि सरकार ने इजाजत दे दी है कि नौवीं तो बाद नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं के स्कूल के बच्चे जोड़े है स्कूल जा सकते हैं, तो स्कूलों ने भी डिसीजन ले लिया स्कूल खोलते हैं, वो कोई गाइडलाइनस आई हैं, पर गाइडलाइनस के बावजूद की पेरेंट्स असं मन पूछना चाहते हैं कि तुम अपने बच्चों को किदा स्कूल भेजोगे, की प्रिपरेशन है थोड़ी? देखो सर, जे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया भी स्कूल ओपन करने हैं तो इन्हें प्रीकॉशनस बहुत जरूरी है, सैनिटाइजर वगैरह मास्क वगैरह जो भी बच्चों स्कूले उन्होंने अरेजमेंट किए होने हैं तो प्रीकॉशनस बहुत जरूरी है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का बच्चों ने स्कूल भी ख्याल रखना चाहिए, टीचर्स की भी यह जिम्मेवारी बनती है, जो स्कूल मैनेजमेंट उन्होंने भी पूरी रिस्पोंसीबल हो। दूसरी गल यह है भी फिलहाल तो स्कूल हले रीओपन नहीं से उन्होंने करने चाहिए, क्योंकि देखो WHO ने हले किसी भी मेडिसिन परमिशन नहीं दी, हले कोई भी इस तरह की वैक्सीन लॉन्च नहीं हुई है मार्केट के जिदे अपनी मतलब पूरी मानव जाति कोई सेफ्टी हो। गया पर हूँ तो देखो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, स्कूल वाले भी हम स्कूल खोलन गए। हाँ जी, ये सारे च एक पेरेंट्स का माइंड सैटअप की है, पेरेंट्स किदा का डिसीजन ले रहे हैं स्कूल तो आफ्टरऑल हूँ जो खुले है तो शायद भेजना ही पेगा, तो स्कूलों हूँ बच्चों को किदा अपने बच्चों को किदा सिखाओगे कि वो स्कूल जान तो किदा प्रिकॉशन रखन या की करन कि हजे स्कूल च भेजोंगे ही नहीं? हाँ जी सर, सब तो पहला तो सर ये है भी चलो हूँ जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ही है तो देखो बच्चों की आप पढ़ाई का लॉस नहीं होने देना, बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनके नाल बच्चों ने इन्ना बेनीफिट नहीं मिल रहा जो कि बच्चे प्रैक्टिकली ब्लैकबोर्ड से समझ आता, 40 स्टूडेंट के बीच बैठ के बच्चों मैम ने प्रैक्टिकली समझाने की बच्चे वो बहुत बेनीफिट है बच्चों लिए। दूसरी गल ये है भी बच्चों देखो चलो पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है भी बच्चों प्रीकॉशनस दसते जान जो भी उन्होंने सेफ्टी लिए है, मास्क वगैरह जां सैनिटाइजर वगैरह हो गया जां सोशल डिस्टेंसिंग हो गया जां एक दूजे नाल कोई समथिंग कोई चीज़ शेयर ना करन बच्चे, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। पर तुहाडे हिसाब नाल हजे स्कूल नहीं खोलने चाहिए? नहीं सर, नहीं बिल्कुल, ये सर खुल गए तो की तुसीं बच्चों भेजोगे स्कूल? सर भेजना तो पाएगा बट असीं अंदरों इस चीज़ लई एग्री नहीं गे, सरकार नूं हजे स्कूल ओपन नहीं सी करने चाहिए। अच्छा, हाँ जी, तो तुसी जिवें सरकार नूं कह रहे हो स्कूल नहीं खोलने चाहिए, असी दूजे पासे तुसी ये भी कर रहे हो कि पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा सी बच्चों के, कल नूं सरकार अगली क्लास से बच्चे किदां जाणगे जे एग्जाम्स नहीं देंगे प्रिपरेशन नहीं, देखो सब कुछ खुल गया फिर एक स्कूल ही रह गए सी, इसलिए यह है कि तुसी जिहड़ा हैगा स्कूल च भेजोंगे बच्चा? हाँ जी बिल्कुल सर। आओ गलबात करते हैं एक होर पेरेंट्स नाल ते उन्हां नूं पुछदे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका जी, अभी आपको पता है कि सरकार ने एक चीज़ बोल दी है कि स्कूल खुले जाएंगे और स्कूलों ने भी डिसीजन ले लिया है, शायद आप लोगों को मैसेज भी आ गया होगा कि स्कूल खुल रहे हैं। डेली न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब कोरोना वायरस का थोड़ा मेजरमेंट रखेंगे, प्रॉपर स्कूल ओपनिंग कर रहे हैं, बट हमारा जो है दो हमारी दोनों तरफ है, मतलब दोनों तरफ हम बच्चों को भेजें या ना भेजें हम दोनों ही तरफ हैं, क्योंकि अगर घर पर भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक तो टीचर वाला काम हम नहीं करवा सकते हैं, चाहे एज अ प्रोफेशन आई एम टीचर बट टीचर वाला काम हम नहीं करवा पाएंगे, बच्चों का 6 घंटे का समय घर पर वेस्ट हो रहा है, तो अगर हम भेज भी देते हैं तो वहाँ पर हमको सेकंड प्रॉब्लम है कि बच्चों को कोरोना वायरस भी हो सकता है जिसका कि अभी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर, तो दोनों तरफ हम सोच रहे हैं, एज अ पेरेंट हमको सोचना पड़ रहा है, जब हमको इंस्ट्रक्शन आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम दोनों तरफ देखेंगे, क्योंकि हम एज ए पेरेंट सोच रहे हैं हमारे बच्चों का नुकसान तो हो ही रहा है पढ़ाई का। ये तो आप फाइनली बच्चों को स्कूल भेजेंगे अभी या अनसेफ? अब हम अनसेफ फील कर रहे हैं, 2 or 3 months बाद जब थोड़ा सा माहौल हमें लगेगा ठीक हो जाएगा तो फिर हम फ्यूचर में यानी नेक्स्ट ईयर तक हम अपना मन बनाएंगे वो भी। हाँ, आप ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर कर रहे हो, स्कूल नहीं भेजना चाहते? ऑनलाइन एजुकेशन ठीक है बट बच्चों का बेस अभी इतना नहीं है उसमें, नो डाउट कि टीचर्स अभी फाइन ये है कि स्कूल भेजेंगे किस स्टेटस क्या मेंटल एट प्रेजेंट तो मैं रेडी नहीं हूँ बच्चों को भेजने के लिए, आफ्टर 3 or 4 months जो थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाती है देन आई विल रेडी। पर जब सरकार ने एक चीज़ रखी है, प्रिकॉशंस रखे हैं 50% कैपेसिटी के साथ, आपने खुद भी बताया आप टीचर हो, आप खुद भी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो जब आप वहाँ पे बच्चे जैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे अपने स्कूल में बच्चों को, जो पेरेंट्स आप पे विश्वास रख के अपने बच्चे भेजेंगे वैसे ही आप भी अपने बच्चों को दूसरे टीचर्स पे विश्वास रख के या स्कूल मैनेजमेंट पे विश्वास रख के भेज सकते हो? हमें मैनेजमेंट पर टीचरों पर कोई डाउट नहीं है बट बच्चे तो बच्चे ही है ना,
हाँ जी सर, मेरा विचार हजे ये है कि जो कि बच्चे जड़े है हजे इन्ने मच्योर नहीं हुए, क्योंकि आम जड़ा बंदा है जो सीनियर है हजे उन्होंने भी करोना वायरस वो भी उन्होंने चपेट च आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा केसिस लुधियाने डेली आप देख रहे हैं, बट इस करके मैं हजे रेडी नहीं हाँ प्रैक्टिकल, क्योंकि बच्चे जो है जो दो कॉपी वगैरह एक्सचेंज करेंगे, पेन एक्सचेंज करेंगे, अपना खाना पीना नहीं फूड आइटम्स एक्सचेंज करेंगे, उस टाइम एक खतरा बढ़ सकता है। इस करके प्रैक्टिकल लाइफ से हजे मैं इनसिक्योर फील कर दी हूँ बच्चों स्कूल सेंड भेजने वास्ते। जे गल किया जाए तो नौवीं तो लैके बारहवीं तक के बच्चे जोड़े है उन्होंने ये गाइडलाइनस हैगी है, तो वह बच्चों आप प्रिपेयर कर सकते हैं, माइंड सैटअप कर सकते हैं कि तुम कॉपी पेन एक एक्सट्रा लैके जाओ, एक्सचेंज ना करो। तो तुम लगता नहीं कि हद तक ये चीज़ा प्रैक्टिकल है, इदा तो आप डरी जावे और क्लास शुरू ही नहीं होगी। हाँ सर, कुछ टाइम पा के आप सोच सकते हैं, मगर एट प्रेजेंट तो हजे थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ में। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये सीगे पेरेंट्स जिन्होंने दसिया कि कैदा जिहड़ा करोना वायरस हैगी है उहदे करके बहुत सारिया सरकार ने चाहे खोलन लई कह दिता है, पर फिर भी बहुत सारे डाउट्स बहुत सारे फीयर फैक्टर दिमाग च हैगा पेरेंट्स दे, जिहदे करके पेरेंट्स नूं ये लगता है कि शायद असी मतलब इस चीज़ नूं बच्चियां नूं हजे इस रिस्क ते ना पाया जांदा। बाकी सारी चीज़ां खोलन दी ओके है, उहनां नूं ये लग रहा सी स्कूल हजे नहीं खोले जाने चाहिए सीगे। स्कूलों के सरकार ने थोड़ी जी जल्दबाजी की है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही है, चाहे वह नौवीं तो लैके बारहवीं तक है, पर फिर भी कितने ना कितने उन्होंने आप गल करिए एक मैच्योरिटी एक रिस्पोंसिबल फैक्टर थोड़ा हैगा। अगले सैशन से जरूर यह कर सकते सी, वैक्सीनेशन का तो हजे पता नहीं, पर अगले सैशन तक एक प्रिपरेशन हो सकती सी। पर कुल मिला के गल यह है कि जिहड़ा टोटल मिला के सरकार यही चाहती है, जिहड़े पेरेंट्स यही चाहते हैं कि भाई स्कूल इस बारी नहीं खोले जाते, पर जे स्कूल खुलते हैं तो उन्होंने मजबूरी च फीयर फैक्टर जिहड़ा हैगा जरूर भेजना पएगा एक स्कूल दे विच, क्योंकि उन्होंने ये पता कि बाकी बच्चे पहुँच गए तो जे उन्हों का बच्चा नहीं पहुँचा तो दिक्कत होएगी, पर वो सिक्योर नहीं महसूस कर रहे। तो इदा ही तुहानू होर भी चीज़ां नाल अपडेट कराते रहेंगे, देखते रहो, बने रहो, जन हितैषी, धन्यवाद।